नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। जंतर मंतर पर बैठिए, इन पहलवानों के प्रदर्शन को आज 17 दिन पूरे हो गए। जी हां, 17 दिनों से लगातार ये WFI के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर बैठी है। सरकार की खामोशी हर किसी को चुभ रही है। आखिरकार क्यों सरकार इस पूरे मामले में कोई कड़ा फैसला नहीं ले रही है, ये सवाल अब न केवल इन पहलवानों के बल्कि आम जनता के मन में भी उठने लगा है। जहां एक ओर इस प्रदर्शन में किसान जुड़ चुके हैं, कई राजनीतिक पार्टियां अब इस प्रदर्शन में शामिल होती हुई नजर आ रही हैं, अपना समर्थन इन पहलवानों को देती हुई नजर आ रही हैं। तो अब इसी बीच यहां पर बात होने वाली है विनेश फोगाट की। जी हां, आपको बता दें कि साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया के साथ विनेश फोगाट भी इस प्रदर्शन में शामिल है। वो लगातार ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अपनी आवाज को और ज्यादा बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। अब विनेश फोगाट की जो आवाज है वो और ज्यादा बुलंद होने वाली है। दरअसल आपको बता दें कि जंतर मंतर पर विनेश फोगाट और उन तमाम महिला खिलाड़ियों की हौसले को और ज्यादा बढ़ाने के लिए अब विनेश फोगाट के ससुराल और साथ ही उनके ससुराल के गांव के वो तमाम लोग जंतर मंतर पर पहुंचने वाले हैं। सीधे सीधे वो ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले हैं, इस बात का खुलासा किया जा चुका है। आखिरकार क्या है सच्चाई, आपको ये भी बता देते हैं। दरअसल आपको बता दें, अंतरराष्ट्रीय महिला पहलवान विनेश फोगाट के ससुराल खेड़ा बख्ता गांव की ग्रामीण, खासकर महिलाएं और बुजुर्ग अपनी बहू के समर्थन में उतर आए हैं। जी हाँ, जल्द ही वो दिल्ली के स्थित जंतर मंतर पर कूच करेंगे। हरियाणा के जिंद जिले के गांव खेड़ा बख्ता में सोमवार को एक बैठक का आयोजन किया गया, जहां पर ग्रामीणों ने ये फैसला किया कि अब वो अपनी बहू विनेश फोगाट के समर्थन में तब तक खड़े रहेंगे जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता। आपको बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग लगातार तेज होती जा रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि जो 15 दिन का अल्टीमेटम खाप पंचायत ने मोदी सरकार को दिया है, क्या उसके आगे सरकार झुक जाएगी? क्या देश के प्रधानमंत्री अब ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कड़ा फैसला लेंगे? विनेश फोगाट, आपको बता दें कि ये वही महिला खिलाड़ी हैं जिन्हें कभी देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बेटी बताया था। जी हाँ, आपको बता दें कि जब उन्होंने मेडल जीते तब प्रधानमंत्री के साथ हुई खास मुलाकात में सीधे सीधे पीएम नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि तुम मेरी बेटी हो, अब तुम्हारे सम्मान की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है। लेकिन आज जब उनकी यही बेटी जंतर मंतर पर बैठी है, तो क्या अब वो अपनी इस बेटी के सम्मान के लिए कोई कड़ा फैसला लेंगे ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ? ये देखना होगा, काफी दिलचस्प। अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।